क्या महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ हरियाणा जैसी स्थिति है? क्या महाराष्ट्र में हरियाणा जैसे संकट में फंस सकती है कांग्रेस? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही चर्चाएं थी कि कांग्रेस मजबूत होकर उभर रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की जोरदार जीत के दावे दिखाए गए थे, फिर भी नतीजों में कांग्रेस को करारी हार मिली और भाजपा को यहां लगातार तीसरी बार सत्ता मिली और यह चौंकाने वाले नतीजे अब भी कांग्रेस के लिए अध्ययन का विषय बने हुए हैं। हरियाणा में हार के पीछे कांग्रेस के विश्लेषण में कहा जा रहा है कि यहां आंतरिक गुटबाजी और सीएम फेस को लेकर चल रहे खींचतान के चलते ये स्थिति हुई। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के आगे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ टिकट कटने वाले दावेदारों के बागी होने का डर है, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन भाजपा ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी के साथ सीट शेयरिंग लगभग फाइनल कर लिया है। 150 के आसपास उम्मीदवार बीजेपी उतारने वाली है और इनमें से 99 के नाम का ऐलान कर बढ़त पाली है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले भाजपा फिलहाल सबसे आगे है। माना जा रहा है कि पार्टी इसके जरिए अपने प्रचार को धार देना चाहती है और कैंडिडेट्स को पूरा वक्त देने के लिए समय रहते ही ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में एक जंग महाविकास अघाड़ी के बीच मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी हो रही है। उद्धव सेना चाहती है कि पहले सीएम फेस पर सहमति बन जाए, जबकि कांग्रेस की राय है कि इस पर बाद में बात करेंगे। वहीं कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उसने इसके लिए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने की दलील दी है। इस तरह लोकसभा चुनाव में हरियाणा जैसे मजबूती पाने वाली कांग्रेस की विधानसभा में संभावनाएं अच्छी है, लेकिन इस बीच उस प्रदर्शन को दोहराना एक चैलेंज होगा। खास तौर पर सीट बंटवारे में लगातार देरी और फिर कैंडिडेट्स के ऐलान में समय लगने से चीजें बिगड़ती जा रही हैं। जो इंडिया अलायंस है उनके नेताओं के बयान से पता चलता है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। उनके इसमें क्या चल रहा है? उनके बीजेपी के ही ऑब्जर्वर को लोगों ने मारा है, चंद्रपुर में मारा है, नागपुर में मारा है, तो वो अपना पाप, हमारे में कुछ नहीं। सीट बंटवारे में तो होता ही है, उनके इसमें भी चल रही लड़ाई। अब वो उनमें अमित शाह उनके पास है, ईडी का डर है, इसलिए उनके लोग चिल्लाते नहीं भाई, उनके सपोर्टर। लेकिन अंदर के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है वो भी थोड़ा सा उसका भी वीडियोस बनाइए और दिखाइए हिंदुस्तान की जनता को। क्या कांग्रेस की लेट लतीफी की वजह से महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला जो है अब तक सामने नहीं पाया? बात ऐसी नहीं है कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है, उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में आपने बड़ा दिल दिखाया था, अमरावती रामटेक जैसी अपनी सिटी जो थी उनको दिया था, क्या कांग्रेस अब कुर्बानी देने के लिए तैयार है? बात कुर्बानी की नहीं, बात देश हित की और महाराष्ट्र हित की है। अगर कुर्बानी की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं, तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। कोल्हापुर में हमारी वहां उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट। तो जरूर हमने बड़ा दिल दिखाया क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। और आज महाराष्ट्र में एक भ्रष्ट सरकार को, एक घटनाबाह्य संविधान के खिलाफ काम करने वाले सरकार को हमको नीचे उतारना है। कांग्रेस भी महाराष्ट्र की समस्या को समझ रही है, इसलिए उसने इन बड़े नामों को जिम्मेदारी दे दी है और अलग अलग क्षेत्रों की कमान सौंपी है, जैसे अशोक गहलोत और जी परमेश्वर मुंबई और कोंकण, सचिन पायलट और उत्तम रेड्डी मराठवाड़ा, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी विदर्भ, मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे को वरिष्ठ समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रदर्शन हरियाणा जैसा या उससे बेहतर होगा।